हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने वुलन ब्लाउज का थर्ड पार्ट बना लिया है, सारा कंप्लीट कर लिया है। अब मैं बताती हूँ स्टेप बाय स्टेप कि मैंने इसमें कहाँ कहाँ स्टिचिंग की है और कैसी यहाँ पे डिज़ाइंस बनाई है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो मैंने यहाँ पे स्टिचिंग कर ली है, देखिए ये पार्ट। और इसके पहले मैंने दोनों पार्ट आप लोग को बताया है और वीडियो आप लोग जाके देख सकते हैं, इसके पहले फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट का। तो ये फाइनल पार्ट है, ये फाइनली कंप्लीट हो चुका है। तो इसमें देखिए फ्रेंड्स, हम बैक साइड कुछ डोरी वाली डिज़ाइन बनाएंगे। और यहाँ पे देखिए, मैंने आस्तीन में इसकी, देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने ये क्रोसिया से किया हुआ है, सिंगल डबल क्रोसिया करके मैंने ये कंप्लीट किया है। अगर आप लोग को ये नहीं बनाना आता है तो आप मेरे से कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं बता दूंगी कि ये मैंने सिंगल डबल क्रोसिया कैसे बनाया है। अब देखिए फ्रेंड्स, हमने क्या करना है, ये हमने डोरी देखिए दो बना ली है। डोरी हमने इसलिए लगाई है फ्रेंड्स कि बहुत लोग ब्लाउज होता है फ्रेंड्स तो ये कंधा हमारा गिरने लगता है, तो यहाँ पे हमने डोरी भी लगा दिया। और एक नए डिज़ाइन का ये लुक पहनने के बाद आता है। तो चलिए, यहाँ पे मैंने दो डोरी लगा दी है, अब एक और मैं बनाऊँगी, उसको आप लोग को दिखा रही हूँ कि मैंने इसको कैसे। तो हमने यहाँ पे देखिए, ये हमारा ऊपर की साइड रहेगा, तो यहाँ पे हमने एक चैन लेना है। देखिए पहले हम यहाँ पे एक नॉट लगा देंगे, देखिए नॉट लगाने के बाद हम यहाँ पे अब हमने चैन लेना है। तो चैन आप कैसे लेंगे, पहले फिंगर पे आपने लपेट लेना है, फिर देखिए हमने यहाँ से इसी लूप से जहाँ पे हमने नॉट लगाया था आपने चैन लेनी है। आप अपने हिसाब से क्या, अभी मैं बता रही हूँ आपको मेजरमेंट करके कि आपने कितना चैन लेना है। ज़्यादा लूज नहीं होना चाहिए और ना ही ज़्यादा टाइट होना चाहिए। तो ये मेजरमेंट फ्रेंड्स मैं 32 नंबर के लिए बता रही हूँ। अगर आपने 34 नंबर का बनाना है फिर आप मेरे से कमेंट करके पूछ सकते हैं कि 34 नंबर के लिए आपने फंदे कितने रखने हैं और लेंथ कितनी रखनी है, प्लस ये चैन वाली डिज़ाइन कैसी बनानी है। तो ये बहुत ही खूबसूरत, और फ्रेंड्स एक मैंने डोरी वाली सारी डिज़ाइन बनाई है पिंक और ब्लैक कलर में, उस ब्लाउज को भी आप लोग ज़रूर वॉच करें, बहुत ही खूबसूरत वो एक यूनिक सी डिज़ाइन है। तो देखिए हमारी चैन इतनी कंप्लीट हो गई है, अब हमने इसको सीधे करना है, देन हमने देखना है। तो ये चैन काफ़ी हमारी बड़ी हो गई है, तो हमने यहाँ पर देखिए थोड़ी छोटी चैन लेनी है, ये देखिए, क्योंकि ये मोटा उल है और काफ़ी स्ट्रेचबल भी है। तो आपने 10 से 15 चैन लेना है अगर मोटी उल हो, अगर नॉर्मल उल हो तो आप 20-22 चैन ले सकते हैं। अब हमने देखिए सेम इसी के बराबर में हमने सेंटर इसी के बराबर में लेके जाना है हमने यहाँ पे, और यहाँ पे हमने देखिए इसको ऐसे ऐसे को लाना है अंदर से लेके, फिर हम इसको स्लिप स्टिच के थ्रू, देखिए आपने स्लिप स्टिच के द्वारा इसको अटैच कर लेना है डोरी को। अगर फ्रेंड्स आपके ऊल काफ़ी पतले हो तो आप डबल डबल भी लगा सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे सिंगल लगाया तो आप ऊल को डबल करके डोरी बनाएं। ये तो मेरी मोटी ऊल है इसलिए मैंने सिंगल ही ऊल लगाया है, अगर आपकी पतली ऊल है तो ऊल को आपने डबल करना है, उसके बाद ये ऐसे चैन खींच के डोरी बनानी है। तो इसको यहीं से हमने कट कर देना है, देखिए फ्रेंड्स हमने ये कट कर लिया है और इसको ऐसे निकाल देंगे, फिर इसको हम क्रोशिया के थ्रू अंदर इंसर्ट करके निकालेंगे, ये देखिए। अब हमारी ये देखिए तीन डोरी बन गई है। तो ये देखिए कितनी खूबसूरत ये हमारी डिज़ाइन बनकर आई है। आप चाहें तो फ्रेंड्स ये हमारा बैक साइड का डिज़ाइन बन रहा है, आप चाहें तो आपने देखिए ऐसी भी डिज़ाइन बना सकते हैं, या चाहें तो आपने जिगजैग भी
ये वाला पार्ट ऐसे लेके आना है, मतलब यहाँ से चैन लेके फिर यहाँ पे, फिर यहाँ से चैन लेके आपने यहाँ पे, फिर यहाँ की चैन लेके यहाँ पे लगानी है। अगर आप चाहें तो ऐसे भी रख सकते हैं, अदरवाइज़ ऐसे भी आपने, ऐसे भी आप बना सकते हैं। तो आपको जैसा भी सही लगे आप वैसी भी चैन, नहीं तो एक डिज़ाइन फ्रेंड्स ऐसे भी है, यहाँ पे आपने नॉट लगानी है। देन हमने 10 से 15 या 20 25 यहाँ तक जब तक ना आए तब तक यहाँ पे हमने एक चैन लेना है। ये चैन बनाने के बाद आपने यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे 3 मोती लगा देनी है। तो ये बहुत ही खूबसूरत एक ब्लाउज़ का डिज़ाइन हमारा ये तैयार हो जाएगा। और नहीं तो आप सिंपल भी ऐसे रख सकते हैं, यहाँ यहाँ फ्लावर लगा सकते हैं, या तो आपने ऐसे जिग जैग बना के यहाँ से चैन लेके यहाँ से, फिर यहाँ से चैन लेके यहाँ से। तो चलिए हम जिग जैग वाला ही डिज़ाइन बनाते हैं। तो पहले हमने यहाँ पे देखिए जहाँ से हमने इंसर्ट करके निकाला था आपने वहीं से दोबारा चैन लेना है। देखिए हमने नॉट लगा लिया है, अब हम यहाँ से चैन लेंगे। सिंपल आपने चैन लेते हुए जाना है। दो तीन और चैन हम लेंगे, आपने ऐसे नाप लेना है, ना ही ज़्यादा लूज होना चाहिए और ना ही ज़्यादा टाइट। तो ये पहनने के बाद देखिए अभी तो ऐसे लग रहा है, लूज लग रहा है, बट जब हम इसको पहनेंगे, पहनने के बाद ये अच्छे से आ जाएगा। हमने भी और दो तीन चैन लेने हैं, तो चलिए हम ले लेते हैं चैन। देखिए फ्रेंड्स ऐसे ही आपने जिग जैग चैन लेना है, जैसे मैंने यहाँ पे ऐसे लेके फिर यहाँ पे हमने इंसर्ट कर देना है। देन हमने यहीं से चैन उठा के फिर यहाँ पे लेके आना है, फिर हमने यहाँ से चैन लेके यहाँ पे लगा देना है, यहाँ पे कॉर्नर में। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं या आप सिंपल भी रख सकते हैं। ये देखिए, या तो आप डबल डबल डोरी भी रख सकते हैं, यहाँ पे डबल किया आपने, फिर आपने यहाँ पे डबल किया, जैसे आपको अच्छा लगे। तो मैंने तो सिंपल ही रखना है, बस आप लोग को बताने के लिए मैंने वो जिग जैग का बनाया था कि आप लोग ऐसे ही बना लें। मैंने सिर्फ 3 ही लाइन की ये पट्टी रखनी है। तो ये अच्छी ट्रिक भी है, कई बार ब्लाउज हम बनाते हैं तो हमारा कंधा गिरने लगता है, तो आप सिंपल सी ऐसी ही पट्टी लगा के और यहाँ पे मोती भी लगा सकते, अंदर मोती डाल के फिर ऐसी डिजाइन बना सकते। ये बैक साइड की डिजाइन है और फ्रंट साइड की डिज़ाइन देखिए सिंपल सी रहेगी। यहाँ पे देखिए ये आगे की साइड की डिज़ाइन है, तो ये बिल्कुल सिंपल रहेगा, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, ये नेट वाली डिज़ाइन है। आप इस डिज़ाइन से शॉल, स्वेटर कुछ भी बना सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन है। और देखिए फ्रेंड्स एक चीज़ मैं और आप लोग को बताऊँगी, आप जब भी स्टिचिंग करें, देखिए बैक साइड्स में स्टिचिंग दिखा रही हूँ आप लोग को, यहाँ से मैंने सिंपल जैसे यहाँ पर आपने एकदम स्ट्रेट सिलाई करनी है, बट ये जो हमारे आगे का पार्ट होता है तो आपने 1 इंच झुका के यहाँ पे सिलाई करनी है। जैसे यहाँ पे आपने ऐसे ऐसे लेके जा रहे हैं सिलाई, और यहाँ से ऐसे कर देना है, मतलब यहाँ से तिरछी सिलाई जाएगी, ऐसे 1 इंच झुका के। इससे करने से हमारा कंधा गिरता नहीं है, तो हमारी फिटिंग एकदम अच्छी आती है, और कहीं से भी हमारे स्वेटर में देखिए झोल भी नहीं आता है। तो आप लोग ऐसे ही बनाइए। अगर आप लोग को ये डिज़ाइन पसंद आए फ्रेंड्स, तो आप अपनी फैमिली के साथ, अपने फ्रेंड के साथ फेसबुक व्हाट्सएप पे ज़रूर वीडियो को शेयर करें, और नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो को बिल्कुल भी लाइक करना ना भूलें, क्योंकि आप लोग लाइक करना भूल जाते हैं। तो देखिए कितनी खूबसूरत ये ब्लाउज की डिज़ाइन बन के आई है। नेक्स्ट वीडियो में मैं और आप लोग के लिए खूबसूरत सी डिज़ाइन लेकर आऊँगी। तो अभी तो मैं बहुत ही अच्छी अच्छी डिज़ाइन लेके आने वाली हूँ उलेन ब्लाउज का, क्योंकि अब सर्दियाँ एकदम स्टार्ट हो गई है। उलेन ब्लाउज और बेबी कैप,
वूलन सॉक्स सब कुछ की डिज़ाइन मैंने डाल रखी है, और इसके बाद भी मैं नई नई डिज़ाइन लेके ऐसे ही आप लोग के साथ आती रहूँगी। थैंक यू।